हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविलियन प्लान्स। व्यूअर्स, आज जो तारीख है वो है 25 अगस्त 2020। तो यहाँ पे एक इस जो एरिया का जो पहला वाला लिंक आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको एकदम टोटली ऐसा कोई घर नहीं, वैसा नहीं था। वो वीडियो 2018 में मैं लिया था एंड अब चल रहा है 2020। सिर्फ 2 साल के अंदर इतना घर बन चुके हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। तो काफ़ी अच्छा, तो आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीधे इससे। इसका मैं सेपरेट लिंक दिया हूँ, लिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट। वहाँ से आप स्टार्टिंग से लेके मार्कआउट से लेके एंड तक के वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन। और भी आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वहाँ से रोड था, वहाँ से मेन एंट्रेंस वो है, कॉर्नर प्लॉट है इनका ये। तो अब तक कितना खर्चा आ चुका है, 5 लाख लगभग। ये पूरा सब मटेरियल सब मिला के जो है आपको 5 लाख का खर्चा आ चुका है। एंड जैसे कि मैं बताया हूँ आपको, यहाँ तक आ चुके हैं आप। यहाँ से देखिएगा उधर आपका पार्किंग एरिया जितना भी है, पार्किंग एरिया। सो प्लान आपको देखना चाहते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लान का पूरा फुल प्लेलिस्ट। एंड उस तरफ जो है सेपरेट टैंक आ रहा है, वहाँ से एंटर हो गए आप। इधर आपका हॉल, एक बड़ा सा हॉल लगभग आपको 12 फीट तक मिल रहा है। एंड इधर जो है आपका किचन आ जाएगा, किचन, पूजा रूम। एंड यहाँ पे जो है दोस्तों, एंटर किए आप घर के अंदर तो ये आपका बड़ा बेडरूम आ जाएगा। एंड यहाँ पे इनके पास एक ऑप्शन था, जैसे कि यहाँ से एक शॉप भी लिया जा सकता है या फिर एक दुकान भी ले, मतलब एक बेडरूम भी ले सकते हैं। सो कम्बाइंड बेडरूम। एंड बेसमेंट हाइट कितना लेना चाहिए, सो बेसमेंट हाइट आप लीजिएगा 6 फीट। अगर रोड नहीं है तो कंपलसरी 6.5 फीट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो पार्किंग एरिया में थोड़ा बहुत कुछ रिडक्शन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, पार्किंग पे थोड़ा सा आप रिडक्शन कर सकते हैं। एंड कॉलम के अंदर कितना एमएम का रॉड इस्तेमाल किया गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 9x15 इंच के कॉलम है। एंड 9x15 इंच का कॉलम जिसके अंदर 16mm का 2-4 रॉड एंड बाकी का 2 जो है 12mm का लिया गया। सो ये था, और M20 ग्रेड कॉन्क्रीट। तो अगर इसके बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जैसे कि जो बेसमेंट। हाँ, और एक चीज़, ये जो बेसमेंट रहता है ना, ये डबल पन्ना, यहाँ पे जो है लैटरेट स्टोन मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हमें पूछे थे कि इसमें कौन सा स्टोन यूज़ किया जाता है हमारे एरिया की तरफ, वो है लैटरेट स्टोन। ये आपको 15 इंच तक लिया जाएगा, 15। सो 15 इंच लेना है तो एक्सकेवेशन जो है 2 फीट तक एक्सकेवेट किया जाता है, बाकी का जो रहता है इसका साइड में वो फिलअप किया जाता है सॉइल से। एंड बैकफिलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है अब तक। ओके, ये बैकफिलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एंड नेक्स्ट इस लेवल तक आया है वर्क, पूरा फुल व्यू आप देखिए तो। एंड प्लिंथ बीम आ जाएगा उसके बाद, नेक्स्ट स्टेप जो है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम कैसे लेना वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आजकल घर वाले भी ऐसे हो गए यार, साइट विजिटिंग का फीस होता है बोल के हमको बुलाते ही नहीं। चलो जाने दो अब, लेट इट बी, क्या करेंगे अब, दैट्स इट। 9x15 इंच का कॉलम से है। थैंक यू।